हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि इमली अपनी वेडिंग ड्रेस मांगती है विश्वा से, क्योंकि उसकी शादी कल है। अगस्त्या आता है उसे पिक करने, ऐसा वो बोलेगी। विश्वा गुस्से से कहेगा ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगस्त्या सिर्फ तुम्हें छोड़ेगा और कुछ नहीं। मीनवाइल पुलिस जो है वो जाती है नव्या के पास और उन्हें फाइल देती है और कहती है कि ये विश्वा की है, जिसकी वजह से नव्या पढ़ती है और उस पर्सन का नाम होता है जिसके साथ धनराज भाग गया था। इमली की ही वो सिस्टर है छोटी। नव्या स्माइल करती है अपने आप और कहती है अन्नपूर्णा अब तो खून के आंसू रुलाएंगे धनराज और शिवानी के लिए, जब उसे पता चलेगा कि अविनाश यहाँ पर एक्सीडेंट में बहुत कम एज में मर चुका है। अन्नपूर्णा कहती है उस औरत ने मेरे बेटे को मेरी ज़िंदगी से अलग कर दिया, वो मेरे बेटे को खा गई। इधर इमली एकदम दुल्हन की तरह ड्रेस्ड अप होगी। विश्वा आएगा और कहेगा इमली से लो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है खा लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी पर अच्छी दिखो। विश्वा कहता है इमली से कि सिर्फ तुम यहाँ पर हवाई बातें बना रही हो, हवाई पुलाव बना रही हो, कुछ ऐसा नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। इमली यहाँ पर कन्विंस हो जाती है कि अगस्त्या आएगा। मीनवाइल नव्या जो है वो अन्नपूर्णा के पास जाती है और कहती है कि मैं एक गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे गिफ्ट में एक पिक्चर भी चाहिए धनराज की, तभी जिस लड़की के साथ वो भाग गया था। नव्या चुपके से विश्वा को इन्फॉर्म करती है, जिसकी वजह से विश्वा इमली से कहता है कि मेरे साथ आओ, लेकिन वो मना कर देती है। विश्वा इमली को गन देता है और कहता है कि तुम मुझे एक बार में ही शूट कर दो, अगर तुम्हें कोई भी डेंजर लगेगा तो तुम मुझे शूट कर देना, लेकिन मेरे साथ आओ। तभी अगस्त्या इमली की आवाज़ को फॉलो करता है, वो चिल्लाती है विश्वा पर और वो कहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। विश्वा रिप्लाई करता है कि अगस्त्या ने ये घर ले लिया है, ये फैमिली ले ली है, इवन उसने मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया। इमली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगस्त्या बचपन से बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में रही हैं, इसलिए मुझे फील होता है कि ये उनका लक है और ये उनकी डेस्टिनी लिखी गई थी। भले ही सेम पेन से सबकी किस्मत लिखी जाती हो, लेकिन विश्वा जिस परिस्थितियों में तुम बड़े हुए हो, अगस्त्या ने उसमें कुछ नहीं किया। इमली गन बाहर निकालती है और वो इमली को गन निकाल करके देता है और कहता है कि लो शूट करो। तभी इमली को पता चलता है कि इसमें तो बुलेट ही नहीं है, तभी वो रोने लगती है। इमली को इतना ज़्यादा अनकेपेबल देखकर विश्वा को भी अजीब लगता है और तभी वो कहती है कि ठीक है विश्वा, तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मारो। इधर अगस्त्या गन की आवाज़ सुनकर विश्वा के हैंड में गन देखता है और वो पूछता है कि सब ठीक तो है। इमली से कहता है कि तुम उस पर भरोसा तो करो, मैं तुम्हें सिर्फ एक ब्रिज से जंप कराऊंगा और हम बस की छत पर गिरेंगे और भाग जाएंगे। तभी यहाँ पर वो इमली को टीज करता है और कहता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो, सिर्फ अगस्त्या की ही आंखें हैं, तुम्हारे आंखों पर तो पट्टी बनी है। इमली कहती है यही टाइम होता है अपने प्यार की परीक्षा लेने का, और वो अगस्त्या को करीब लाती है और वो कहती है कि अगस्त्या मेरी बहुत परवाह करता है, और वो कहती है कि भले ही वो आग में जल जाएगा लेकिन मुझे जलने नहीं देगा, लेकिन अगर अगस्त्या के साथ जो जलना पड़े तो वो भी मंजूर है। वो दोनों यहाँ पर एक किस करते हैं छोटी सी और एक दूसरे में हक करते हैं। तभी सोनाली को यहाँ पर पिक्चर्स मिल जाती है और वो फाइंड आउट करने जाती है कि किलर का उनके साथ रिलेशन क्या है। किलर आता है फोटो स्टूडियो के अंदर, सोनाली शॉक है। इधर घर में अगस्त्या एंटर होता है और इमली हर किसी को खुश करती है, सेलिब्रेट करते हैं सब इमली की वापसी। नव्या कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ माफ़ी देने के लिए आई हूँ, विश्वा ने जो कुछ किया है उसके लिए। इमली ने यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं दिखाई और वो तो सारी ऐसे ड्रेस्ड अप है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी वो कंटिन्यू करती है और इमली कहती है कि तुम बाहर रहो इससे, जो स्ट्रेंजर है वो पूरी रात तुम स्ट्रेंजर के साथ रही हो। अगस्त्या क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी बीवी को पूरी रात के लिए ले गया था। नव्या यहाँ पर कंटिन्यूस इमली के ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती है और वो कहती है कि विश्वा ने कैसे तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या कुछ भरा होगा हर कोई। तभी यहाँ डिस्कस करना शुरू कर देता है कि हो सकता है नव्या जो कह रही है वो बिल्कुल सच है, इमली एक पूरी रात बाहर रहकर आई है विश्वा के साथ। इसके बाद आखिर कैसे अगस्त्या उससे शादी के लिए इतनी जल्दी मान सकता है, यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर इमली अब इन सारे घटिया सवालों का क्या जवाब देती है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।